सो हे गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज करने वाले हैं गाइज हैप्पी मकर संक्रांति फोटो एडिटिंग, जो कि ये वाला फेस्टिवल हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। तो हमने सोचा क्यों ना जल्द से जल्द इसको एडिटिंग किया जाए और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया जाए, पूरा फुल HD में और ट्रेंडिंग में पहुंचाया जाए। ठीक है गाइज, तो ट्रेंड कैसे करता है, हमारा फोटो वगैरह ट्रेंडिंग पेज में कैसे जाता है, पूरा फुल HD नहीं करेंगे, कुछ न्यू ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगा, तो सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा एंड तक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। ठीक है गाइज, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर आए तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आता रहता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, तो ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले गाइस पोज देख लीजिए एंड कुछ इस टाइप से पोज दे दीजिएगा कि लगे कि हम लोग रियली में हवा में हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से क्या कर रहे हैं, अपना ओरिजिनल पिक को सबसे पहला बार क्या करना है गाइस, इसको स्मूथ कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फेस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में है एंड इसको मैंने स्मूथ करके यहाँ पर रखा हुआ है, बिल्कुल हल्का सा स्मूथ किया है। ठीक है, इतना ही आप लोगों को करना है। और जो जो स्मूथ नहीं जानता है स्मूथ कैसे किया जाता है, बिल्कुल फुल HD में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा स्मूथ वाला वीडियो है अलग अलग ट्रिक में। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। ठीक है, तो अब पहला वर्क हम क्या करेंगे गाइस, इसको शेयर करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, पहला स्टेप में फोटो रूम के अंदर शेयर करेंगे क्योंकि यार हमें बैकग्राउंड कटआउट करना है। तो ये रहा फोटो रूम एप्लीकेशन, और बेस्ट तरीके से बैकग्राउंड कटआउट यही करता है। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर शेयर कर देते हैं। और यह हमारा क्या होना चाहिए गाइस, नेट ओपन रहना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट भी रहना चाहिए। देखिए फास्ट था इसलिए एक ही क्लिक में हमारा जो है बस इसके अंदर सेंड किया और हमारा बैकग्राउंड कटआउट हो गया। इसी टाइप से आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर कई भाई लोग क्या करते हैं, वाइट और ब्लैक डाउनलोड करते हैं, यह नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड ऊपर की तरफ देखिए एक एरो मिलेगा जो कि सेव का एरो है, ये रहा, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है सेव टू गैलरी, ये रहा गाइस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये हमारा फोटो जो है गैलरी के अंदर चला जाएगा और ये हमारे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो गाइस यार पहला स्टेप जो है हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, क्या करना है हमें, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, ये आसमान वाला बैकग्राउंड है, इसे शेयर करेंगे कहाँ पर, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन। ठीक है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा आप लोग, ठीक है, बस वीडियो में बने रहिएगा। इसके अंदर शेयर कर देते हैं एंड इसके बाद क्या करना है गाइस, सबसे पहले मतलब बैकग्राउंड का रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर देखिए रिसाइज का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा नीचे की तरफ। इसको मतलब अप्लाई करने से क्या होता है गाइज, हमारा मतलब बैकग्राउंड जो फटता नहीं है एंड इसके ऊपर कुछ भी करेंगे तो ये हमारा फटेगा नहीं और लास्ट तक HD रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को कभी भी यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5000। 5000 लिखने के बाद रिसाइज पे दो बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर 30 और 97 लास्ट पिक्सल जो है शो हो रहा है, तो 30 और 97 कर देंगे एंड रिसाइज पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए गाइज हमारा बैकग्राउंड जो है रिसाइज हो चुका है। अब पतंग वाला एक PNG, तो ऐड फोटो पर क्लिक करके ऐड कर देता हूँ एंड जो जो PNG स्टॉक वगैरह मिलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल HD में। ठीक है गाइस, इस बार आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप लोगों को मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और कहाँ से HD डाउनलोड करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके मैं पतंग वाला PNG जो है ऐड कर देता हूँ। तो गाइज ये रहा पतंग वाला PNG, इसको फिलहाल में इतना बड़ा रखेंगे और नीचे की तरफ इतना पे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एंड इतना होने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर देना है इतना ऊपर। ठीक है, एंड इसके बाद से इसको सेव नहीं करना है, इतना ही पे छोड़ देना है, नहीं तो सेव भी कर सकते हैं, सेव कर देते हैं। एंड क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करके अपना बॉडी ऐड करेंगे जिसको हम लोग बैकग्राउंड कटआउट किए हैं एंड ऐड फोटो पे क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद नीचे की तरफ देखिए फोटो रूम जो आइकन दिख रहा है इसको इरेज कर दीजिएगा, तो इरेज पे क्लिक कर देना है एंड ये रहा फोटो रूम, इसको इरेज कर देना है एंड राइट आइकन पे क्लिक करके इसको अपना बॉडी को पतंग पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से जो है हमारा बॉडी एडजस्ट हो गया पतंग के ऊपर, जितना मतलब बेस्ट लगे उतना बेस्ट कीजिएगा और बिल्कुल आराम से। ठीक है ना गाइस, एंड इतना होने के बाद एडजस्ट इतना पे अच्छे तरीके से कर दीजिएगा और राइट के आइकन पे अभी मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आ जाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा राउंड शैडो, ठीक है, राउंड SHADOW, ठीक है, मीनिंग सही रहना चाहिए, आप लोगों को कोई PNG यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, मतलब मिल जाएगा। तो राउंड शैडो हमने सर्च किया और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा PNG जो है यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो ये रहा PNG, ठीक है, जिसको हम लोग लगाएंगे, तो इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देंगे, ठीक है, नेट हमारा ओपन रहना चाहिए। एंड इसको क्या करेंगे, इसको लंबा कर देंगे खींच के, एंड इसको इतना पे ले जाके, और यहाँ पे देखिए गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, इस पर क्लिक कर देना है एंड दो बार मूव डाउन पर क्लिक करना है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड इतना पर होने के बाद इसका ऑपेसिटी जो है बिल्कुल धीमा रखेंगे, बिल्कुल कम रखेंगे यानी, ठीक है गाइस, बिल्कुल कम रखते हैं। राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। इतना होने के बाद अब फेस पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ठीक है, एंड पूरा HD कैसे करना है वो आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा, इतना छोड़ के जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, रिटच पे क्लिक कर देंगे एंड नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, हेयर कलर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए हेयर कलर के अंदर आने के बाद फर्स्ट में पूरा कलर का दुकान पड़ा हुआ है तो इसको खोल देंगे। एंड यहाँ पे देखिए रेड कलर जो है सेलेक्ट कर देंगे एंड पूरा सिचुएशन फुल करके राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड इतना होने के बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं बैक का एरो है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड नीचे की तरफ देखिए मैनुअल का ऑप्शन है, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड फेस को जूम कीजिएगा और नीचे वाला जो लिप्स है इसको रेड कर दीजिएगा बिल्कुल आराम से। अब ज़्यादा यहाँ पर हो गया, इसको कम करने के लिए क्या करना है गाइस, सिचुएशन को फुल कर देना है, अमाउंट को अपने हिसाब से हल्का सा, लगभग मैं इस बार 20 के आसपास रख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही आप लोग रखिएगा एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अभी देख लीजिए हमारा फोटो HD नहीं है, HD कैसे करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। अब क्या करना है गाइस, राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है, ऐड फोटो पे क्लिक करके 2-4 PNG और ऐड कर देते हैं। तो गाइस यार 3 PNG मैंने ऐड कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, इसको हैंड के ऊपर सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, इसको ले चलते हैं हैंड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इतना पे ले जाने के बाद क्या करेंगे, इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे, कम होने के बाद क्या करना है, इरेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्वर्ट करना है, नीचे की तरफ देखिए इन्वर्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है एंड रेस्टोर पे क्लिक करके हार्डनेस पूरा फुल, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब अंगूठा के अंदर ही, अंगूठा के ऊपर नहीं चलाना है, ठीक है, इस फिंगर के ऊपर नहीं चलाना है, इसको अंदर की तरफ एडजस्ट करना है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, राइट के आइकन पर क्लिक करके इसका ऑपेसिटी फुल कर देंगे। अब देखिए ये अच्छे से एडजस्ट हो गया, तो मैं लगभग 90% रखता हूँ इसका ऑपेसिटी, ठीक है। एंड ये रहा मकर संक्रांति हमारा PNG, ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पर अच्छा लगे रखिएगा। एंड ये वाला जो PNG है इसको कैसे एडजस्ट करना है, एंड ये वाला PNG थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और ये पतंग वाला काफ़ी सारा PNG है गाइस, इसको क्या करेंगे इतना पे एडजस्ट करके और इरेजर पे क्लिक कर देना है और बॉडी के ऊपर का पार्ट जो है उसे इरेज कर देना है, ठीक है गाइस। अब इतना होने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब देखिए गाइस हमारा PicsArt एप्लीकेशन का काम जो है ख़त्म हो चुका है। एंड उसके बाद से क्या करना है, ड्रा टूल के अंदर आइएगा और 3 डॉट पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो है दूसरा स्टेप जो है गाइस ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिएगा दूसरा स्टेप क्लियर। अब चलते हैं तीसरे स्टेप के अंदर, क्या करना है, कुछ नहीं, इसको शेयर करना है Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइस। तो Lightroom के अंदर फिलहाल मैं शेयर करते हैं एंड चलते हैं Lightroom के अंदर। तो गाइस यार हमारा फोटो जो है Lightroom एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। अब क्या करना है यहाँ पे, इसके लिए खास प्रेसेट बना के रखा हूँ, कैसे मिलेगा अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ये रहा प्रेसेट, ठीक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर दीजिएगा और नीचे वाला आइकन जो है क्लिक कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। एंड कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए राइट का आइकन मिल जाएगा ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ओरिजिनल पिक पे आ जाएगा जिसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करके उसको किया था कॉपी और इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है गाइस। तो पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं एंड देख सकते हैं लुक कितना हार्ड हो गया बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप कि सारा स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी तीनों स्टेप जो है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा यहाँ पे विग्नेट दे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो गया। तो गाइज यार जो PNG स्टॉक वगैरह मैं यूज़ किया हूँ सबसे लास्ट में लिंक मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को खोलिए, सबसे लास्ट में जो लिंक मिलेगा स्टॉक का वही लिंक है, ठीक है गाइज। तो
लिंक पे क्लिक करके जाके आसानी से सारा कुछ डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप कि सारा स्टेप समझ में आ ही गया होगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो हमेशा आता रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइज़।